दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, राष्ट्रीय महासचिव ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज जेएफएमएलटी इंडिया। जेएफएमएलटी इंडिया इंडिया लेवल वर्किंग नेशन एसोसिएशन है जो कि प्राइवेट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और प्राइवेट पैथ लैब ओनर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। मैं भारतवर्ष के सभी पैथ लैब संचालकों से जो है नम्र निवेदन के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण भारतवर्ष में सभी राज्य ग्रसित हैं और एक महामारी के रूप में जो है ये लगातार फैलते जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और पैथ लैब ओनर्स बहुत बड़ा योगदान अदा कर सकते हैं और हम शुरू से ही जो है हमेशा और अभी भी डायग्नोसिस मैं एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कार्य कर रहे हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो हम जितने भी प्राइवेट पैथ लैब ओनर्स हैं डीएमएलटी बीएमएलटी किए हुए, वो लोग भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि 31 मार्च तक जो है अपनी लैब्स को जो क्लोज रखें ताकि हम इस कोरोना वायरस को थर्ड स्टेज में जाने से रोक सकें, क्योंकि अभी सेकेंड स्टेज में ही है और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी धीरे धीरे से कम्युनिटी में स्प्रेड होना प्रारंभ हो गया है। और जो लॉकडाउन किया गया है या प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है लॉकडाउन किया गया था, कुछ राज्यों में जो कर्फ्यू लगा हुआ है, 21 दिनों का जो है लॉकडाउन की बात कही गई है, तो हमें उसमें योगदान देना है और इस वायरस को जो है कम्युनिटी में स्प्रेड होने से रोकना है। क्योंकि हम मेडिकल क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और मेडिकल साइंसेस की जो है बोन है, तो हम प्राइवेट सेक्टर के जितने भी पैथ लैब ओनर्स हैं उनसे निवेदन है कि 31 मार्च तक जो पुनः निवेदन है कि 31 मार्च तक जो है अपनी लैब का को क्लोज करके रखें। बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तो उस केसेस में जो है 2-3 घंटे के लिए जो लैब्स को ओपन कर सकते हैं। साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम होम कलेक्शन के माध्यम से भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होम कलेक्शन पे भी जो टोटली रोक देना चाहिए, उसको भी कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम जिसका सैंपल लेने जा रहे हैं वो अफेक्टेड है या नहीं है। अगर वो अफेक्टेड है तो हम उससे इन्फेक्शन लेकर के हम अन्य पेशेंट को देंगे और साथ में हम अपने परिवार को भी दे सकते हैं। तो दो बातें महत्वपूर्ण है, 31 मार्च तक जो है अपने लैब्स को बंद करके रखें, दूसरा होम कलेक्शन की जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं उसको भी टोटली क्लोज करें ताकि हम इस वायरस को कम्युनिटी में स्प्रेड होने से रोक सकें। और अगर हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है आप अपना योगदान दे रहे हैं, हमेशा देते रहेंगे, इस माध्यम से भी जो है आप अपना योगदान दे सकते हैं, तो इस बात को जो है ध्यान में रखें और हमें किसी भी हाल में कम्युनिटी में स्प्रेड होने से इस वायरस को रोकना है तो हम इस माध्यम से भी रोक सकते हैं। तो इस दिशा निर्देश का जो है सख्ती के साथ पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है तो उसका भी जो है हमें पालन करना है प्लस पालन करवाना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना है और लोगों को उसके बारे में जो भी में बताना है। हमारा जो भी योगदान हम दे सकते हैं हम देते रहें, सरकार के साथ मिलकर के भी जो है हम कार्य कर सकते हैं। तो मेरा दो ही आप लोगों से अनुरोध था कि 31 मार्च तक जो है हमें अपने लैब्स को क्लोज करके रखना है, प्लस होम कलेक्शन की जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं उसको भी स्टॉप करें ताकि हम इस वायरस को कम्युनिटी में स्प्रेड होने से रोक सकें। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं इसलिए हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। तो कृपया करके जो है इन बातों का ध्यान दें और उचित रूप से जो है अपना सहयोग प्रदान कर सके। धन्यवाद।